बजाने का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर पे, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल में महाशिवरात्रि के पर्व में मंदिरों में भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ी। भगवान महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्त कतारों में खड़े दिखे। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में महादेव का श्रृंगार देखते ही बनता है। भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन पर उमड़ती है। लोग अपने अपने घरों में शिवलिंग को स्नान करवा कर उनका श्रृंगार करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, पूजा करके आरती करते हैं और शिवलिंग को चरण स्पर्श करके रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष महादेव का श्रृंगार है, उनका प्रिय है। इस दिन पारद शिवलिंग खरीद कर उसकी स्थापना करके रुद्राक्ष धारण करने की परंपरा है। इसको अति शुभ भी माना जाता है। परंपरा का निर्वाह करते हुए लगातार 23 वर्षों से भोपाल का श्रेष्ठ और अस्थाई आध्यात्मिक सेंटर भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर गौतम नगर भोपाल के संचालक संजय लोढ़ा जैन सर ने बताया, हमारे यहाँ पारद स्फटिक अष्टधातु के शुद्ध शिवलिंग 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, शिवयंत्र, पंचमुखी शिवलिंग का सबसे अच्छा कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पन्ना रत्न के उपरांत हरे जेट जो काफी कीमती होते हैं, उनके पंचमुखी शिवलिंग 9.5 किलो के दर्शनार्थ भी उपलब्ध है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यूं तो आप लोग बखूबी जानते ही हैं कि लगभग महाशिवरात्रि के पर्व में क्या क्या विशेषताओं, क्या कुछ फल मिलते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय जैन लोढ़ा सर, जिनके साथ हम जानेंगे 23 वर्ष के अनुभव में क्या कुछ इस महत्व में जो बारीकियां होती हैं, क्या रुद्राक्ष का महत्व है और क्या ग्रीन डे का महत्व है शिवलिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि को हम भगवान महादेव की आराधना, साधना, उनकी पूजा, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी सेवा पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के महत्व पर पारद शिवलिंग की स्थापना है जनरली लोग करते हैं। रुद्राक्ष उस दिन धारण करना अपने आप में बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है। रुद्राक्ष में यूं तो 1 से 21 मुखी तक पूरे रुद्राक्ष आते हैं। विशेष रूप से नेपाल के जो रुद्राक्ष होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हम पिछले 23 सालों से काम कर रहे हैं और हमारे पास जो भी रुद्राक्ष होते हैं इससे संबंधित, वो सभी प्रकार के बहुत अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के ओरिजिनल होते हैं। अब एक और चीज होती है कि रुद्राक्ष में 1 से 14 मुखी का एक कंठा कहलाता है, उसको सिद्ध कंठा बोलते हैं। सिद्ध कंठा मतलब जिसके अंदर महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबका वास होता है, तो वो सिद्ध कंठा बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। उस तरीके के कंठे भी हमारे पास में उपलब्ध रहते हैं और उसके अंदर जो भी रुद्राक्ष होते हैं वो सारे के सारे नेपाल के होते हैं। तो ऐसे में मार्केट में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी और चीजें होती है, अधिकांश लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आपको क्या लगता है कि इन चीजों से कैसे लोग बचे जाए और कैसे, आप क्या कोई मतलब ऐसा कुछ नंबर, हेल्पलाइन नंबर हो जिससे आप बता सकें, लोगों की मदद भी कर सकते? देखिए, क्या होता है, रुद्राक्ष जब भी कोई व्यक्ति खरीदे तो सबसे पहले तो आप एक स्थान ऐसा ऑथेंटिक जगह से खरीदें जो पुराने लोग हों और जो समझते हों। केवल आप भ्रामक विज्ञापनों के जरिए या जो लोग इस तरह से बताते हैं उनके लोभ में आके नहीं खरीदें कि हम सस्ता बेच रहे हैं तो खरीद लें। रुद्राक्ष बेसिकली, कोई भी जो रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर पठारें होती हैं। जब आप उसको हाथ में अपने यूज करते हैं तो वो पूरी पठार की तरह काम करता है और हाथ में आपके एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। उससे आपको समझ में आता है कि असली और नकली की एक साधारण सी वो एक पहचान होती है। तो ऐसे में अगर लोग संपर्क करेंगे तो निश्चित ही उनको आपके सेंटर से उनको सही चीज प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो सेंटर है, हमारे यहाँ का जो एक हेल्पलाइन नंबर है वो 9752167526 2785। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ से इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं। दूसरा सवाल गुरुजी, ग्रीन जो शिवलिंग है, ग्रीन तो इनका क्या महत्व है और कैसे लोग यहाँ हासिल कर सकते हैं? देखिए, पन्ने से बना हुआ उपरत्न जो होता है, जो पन्ने का उपरत्न होता है वो कहलाता है ग्रीन जेड। तो जो जेड होता है, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये पशुपतिनाथ वाला से जो शिवलिंग बना हुआ है, जैसा कि आपने नेपाल काठमांडू में जो पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा बनी है, ये उसी के आकार का और उसी की तरह का बना हुआ है। तो जो ग्रीन जेट का शिवलिंग होता है, बेसिकली जो हरे कलर का जो शिवलिंग होता है वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। इस तरीके के जो बड़े शिवलिंग होते हैं वो हम किसी साधना स्थल पर, मंदिर में कहीं पर स्थापित करते हैं।
दूसरा सवाल, अंतिम सवाल की जिस तरीके से लोगों में रत्नों का लाभ नहीं मिलता, कई रत्नों में भी उनको समस्या होती है, तो उन मतलब उन चीजों से कैसे लोग बचें? देखिए, बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक होता है कि किसी भी रत्न को पहनने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है। जैसे आप भगवान की पत्थर की मूर्ति, लेकिन जब आप उसको स्थापित करते हैं तो उसके अंदर जान फूंकी जाती है। उसी तरह से जब आप रत्न को धारण करते हैं तो उसमें एक जान फूंकी जाती है, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पूजा के जरिए, मंत्र हीलिंग के जरिए, मंत्रों के द्वारा, तब आप उसको पहनेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आप कहीं से भी ऐसे ही ले लें और उठाकर पहन लें और कभी उतार रहे हैं कभी पहन रहे हैं तो कभी लाभ नहीं मिलेगा। हमारे दर्शकों की बात करें तो इनके लिए क्या कुछ लाभ मिलेगा? आप जिस तरह से रत्न लेते हैं तो उनकी शुद्धता की गारंटी, और दूसरी चीज उनके लिए जैसे कहीं नहीं मिलता है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे कैसे करे, तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ भविष्य एस्ट्रो में हम जो भी रत्न देते हैं पूरी तरह से मंत्र हीलिंग करके देते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको हवन में भी शुद्धिकरण करते हैं, फिर अपने यहाँ पर बुलाकर मंत्र हीलिंग करके व्यक्ति को पॉजिटिव करके फिर पहनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है उसको कभी भी नकली या इस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी जिसके अंदर उसके मन में कोई भ्रम पैदा हो। और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी लोग भगवान महादेव की शिव पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज को अच्छा करने के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए जिस तरह से आज बहुत कुछ साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है फल, और सीधे तौर पर आप उसको लाभ मिलेगा। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।